अपने मुझे तो दो दिन पहले पता लगा, मैं 12 तारीख से यात्रा में हूं। ये उत्तराखंड की तीर्थों की जमुनोत्री, गंगोत्री, देवप्रयाग, केदार, फिर यहां कथा थी तो यहां आकर 9 दिन बैठ गया हूं। तो मुझे तो इस घटना का पता भी नहीं था। दो दिन पहले मुझे शाम को मेरा माउंट पूरा हुआ तो खबर दी गई कि हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कोड़ीनार तालुके में, एक छोटे से गांव में हमारे दशनाम साधु की एक 8 वर्षीय निर्दोष बेटी पर किसी ने दुष्कृत्य करके उसकी हत्या कर डाली। तो मुझे पीड़ा हो रही है, मैंने पूरी माहिती इकट्ठी की। किसी भी समाज में ऐसा हो तो किसको पीड़ा नहीं होगी, किसी के समाज। और हमारे सौराष्ट्र में, मैं जिसको हम जिसको तीन पांख कहते हैं, हमारी तीन धाराएं हैं, रामानंदी गृहस्थ साधु, दशनाम गोस्वामी गोसाई साधु प्रवाह, और तीसरा जिस प्रवाही परंपरा में मैं हूं, वैष्णव मार्गीय परंपरा, जिसको मैं सालों पहले एक हमारे त्रिपाखी सम्मेलन में कह चुका था कि ये तीन रामानंदी, दशनाम गोसाई परंपरा और हमारी ये वैष्णवी मार्गी परंपरा, ये सत्यम शिवम सुंदरम है। तो साधु समाज के प्रति समाम समाज को इतनी निष्ठा है आज भी। और ऐसे एक साधु समाज, हमारे दशनाम गोस्वामी परिवार के एक निर्दोष साधा, समाज में कितनी ऐसी घटना घट रही है, घटी है, घटती रहती है। इसी के लिए व्यासपीठ से, मैं विनय से आप सबको थोड़ा जागरूक करने के लिए बोल रहा हूं। तो एक हमारी 8 साल की निर्दोष बेटी पर किसी ने, असुर अधम अभिमानी, गोस्वामी जी कहते हैं ना, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, उसने दुष्कृत्य किया और हत्या कर दी। तो दो दिन पहले ही मुझे खबर मिली, तो मैंने हमारे एक गोस्वामी समाज के अध्यक्ष है या मंत्री है मुझे खबर नहीं, तो हमारे महुआ से हम सावरकुंडला जाए ना तो बीच में वडाल गांव आता है, वैकुंठगिरी कौन, वैकुंठगिरी बापू, हाँ, तो वो ये दशनामी समाज का बहुत काम करते रहते हैं ना, सक्रिय रहते हैं। तो उसको हमने फोन किया कि बापू पूरी घटना क्या है, तो उसने मुझे बताया कि बापू ऐसा हुआ, हम जानते हैं आप तो वही है, पूरी विगत दो, और जिसके घर में घटना घटी है वो दशनामी गोस्वामी बापू का मुझे नंबर दो। तो उसने मुझे नंबर भेजा, मैंने कैसे भी आपका संपर्क किया और पूरी विगत जानी। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इस साधु की बेटी की समाधि को प्रणाम करता हूं और मेरी श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं, और दूसरा आप हमारे समाज के हैं, आपको बहुत, और हम तो आपको क्या कहे, लेकिन प्रणाम करके पूरे परिवार के लिए मैं मेरी संवेदना प्रकट करता हूं। और आज मैं यहां से बोल रहा हूं, किसी और मीडिया का सहारा नहीं ले, ये परम पवित्र मेरा मीडिया है, इसी से मैं अक्सर, मैं बाकी कोई कमेंट लगभग नहीं करता, नहीं, लेकिन ये समग्र समाज का प्रश्न है। और क्योंकि सब समाज साधु ब्राह्मण के समाज के प्रति, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, आज भी इतनी निष्ठा रखते, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं राम नाम, राम काम और राम नाम, तो मेरी व्यासपीठ राम कार्य भी तो करती है, राम नाम भी तो लुटा, इसीलिए पूरी विगत के बाद मैं